पेनी स्टॉक से कमाओ 100% का रिटर्न हफ्ते भर में, महीने भर में 1000% का रिटर्न। पेनी स्टॉक से सबसे शानदार सिलेक्शन, पेनी स्टॉक से बेसिस पे आप लाखों शेयर्स का परचेस कर सकते हो बहुत ही कम मात्रा में। तो क्या पेनी स्टॉक एक्चुअली आपके लिए यूजफुल है? आज जब मैं यूट्यूब खोलता हूं पेनी स्टॉक से रिलेटेड टिप्स, जब व्हाट्सएप खोलता हूं पेनी स्टॉक से रिलेटेड टिप्स भरी पड़ी है। मेरे पास इतनी टिप्स आती है तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग आपके पास कितनी आती होगी। सो जानेंगे पेनी स्टॉक्स का सच आज इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं कि पेनी स्टॉक होता ही क्या है। पेनी स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आपको 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए में मिल रहा है, 2 रुपए में मिल रहा है, और इतना सस्ता शेयर है ये बोल के आपको बेचा जाता है कि आप 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट पेनी शेयर में करोगे तो आपको सीधे 1,00,000 शेयर, 2,00,000 शेयर मिल जाएंगे, और नॉर्मल शेयर खरीदोगे तो 100, 200, 50 शेयर मिलेंगे। तो इसलिए आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, यहां पे आपको बहुत रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि आपके पास 1,000 शेयर है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, शेयर की क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स। MRF का एग्जाम्पल लेते हैं, जब 1,000 रुपए का था वो 5,000 भी हो, वो 10,000 भी क्रॉस हो गया क्योंकि उस शेयर में क्वालिटी थी। रिलायंस का शेयर हुआ वो बढ़े जा रहा है, 1,000 रुपए का भी हो गया, 1,500 का हो गया, 1,600 का भी होगा क्योंकि उसमें क्वालिटी है। तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी और मैनेजमेंट और ग्रोथ से फर्क पड़ता है। तो क्वालिटी के बेसिस पे पेनी स्टॉक खरीदना सबसे बड़ा स्कैम है। सेकेंड, पेनी स्टॉक्स की वैल्यू है 1 रुपए 50 पैसे। जो शेयर मार्केट है अगर वो किसी शेयर को मिस वैल्यू भी करेगा, गलत वैल्यूएशन जब भी रखेगा तो वो 100 times मान लो रख लिया, तो मतलब 1 रुपए के शेयर की वैल्यू 2 रुपए। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 रुपए की शेयर की वैल्यू 1 रुपए चल रही हो या 100 रुपए के शेयर की वैल्यू 1 रुपए चल रही हो। मार्केट इतना समझदार है, मार्केट इतना स्मार्ट है कि वो शेयर की इतनी मिस वैल्यूड प्राइस नहीं रखे। सो अगर कोई 1 रुपए है और आप एक्सपेक्ट करोगे 25 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा। वो सब समझ के सारे वैल्यूएशन को ध्यान में रख के उसकी वैल्यू 1 रुपए है, 50 पैसे है, तो वो एक्चुअली में कचरा है, इसलिए उसकी वैल्यू कचरा है। थर्ड, आप ये सोचिए क्या कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर, क्या कोई इंटेलिजेंट इंडियन इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जैसा इंडिया में क्या ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर ये पेनी स्टॉक में 1000% रिटर्न देने की काबिलियत थी तो क्या इतने बड़े बड़े, इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करते? ऑब्वियसली करते। और आप हमेशा देखोगे टॉम, डिक और हैरी, ऐसे लोग ही ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक कॉल आता है 1,00,000 रुपए लगाओ 20,00,000 हो जाएंगे 6 महीने में, ऐसा बोल के आपके पास कॉल आता है और आप ऐसे पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, अगर इतना ही रिटर्न बनता तब तो सारी कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट, अपना काम छोड़ के सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देती और अरबपति करोड़पति बन जाती। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, अगर कोई 1,00,000 से 25,00,000 बना सकता तो सबसे पहले तो उसको आपको टिप देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही आज करोड़ों में, अरबों में खरीद कमा रहा होता। अगर 100% का रिटर्न मेरे में महीने भर में ला सकता तो मेरे को सारे काम बंद करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूं और ऐश करूं, ऐसी लाइफ हो जाती। बट ऐसा नहीं होता। मुझे आज जान के बुरा लगता है क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल लोगों की लाइफ में बहुत क्रिटिकल होता है। अगर कोई टेक रिव्यू गलत देता है उसके बेसिस में आप कोई मोबाइल ले लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का लॉस होगा। बट जब कोई फाइनेंशियल एडवाइस गलत देता है और उसके बाद आपको लॉस होता है तो आपकी जीवन भर की पूंजी उसमें लग जाती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट करने वालों से, प्लीज लोगों को ऐसे उल्लू बनाना बंद करो, बेवकूफ बनाना बंद करो, लॉजिकली इन्वेस्ट कराओ। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हो अपने आप को, आपका रोल लोगों की लाइफ में बहुत क्रिटिकल है, उनकी लाइफ और डेथ का मामला हो जाता है आपका डिसीजन। तो गलत डिसीजन, फेक एडवाइस देना बंद करो। आज यूट्यूब चैनल्स को मैं देख के थक चुका हूं, इतने चैनल्स आ गए हैं जो पेनी एडवाइस दे रहे हैं और वो चल भी रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे पैसा मिलता है व्यूज का, और व्यूज आप ही सोचिए। मेरा एक वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूं कि आप करोड़पति बनेंगे 20 सालों में, 100 करोड़ कमाइए 25 सालों में, और दूसरा एक वीडियो जो बोलता है कि 1 करोड़ कमाइए 1 महीने में, आप कौन सा वीडियो पे क्लिक करोगे, आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे या आप कौन से वीडियो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे?
ऑब्वियसली जो आपको एक महीने में एक साल में करोड़पति बना रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपको किसी भी झूठे वादे में रखूं या झूठ बोलूं। और बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे झूठे वादे और थंबनेल बना के लोगों को उल्लू बनाना बंद करिए, ऐसे मैसेजेस बेच के लोगों के पैसे वेस्ट करना बंद करिए। ध्यान रखिएगा, पेनी स्टॉक से रहिए एकदम दूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करते हैं, मुझे आपका प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, क्या आप किसी पेनी स्टॉक्स में कभी फंसे हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वरना ऐसा पावरफुल वीडियो, नॉलेज शेयरिंग वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन भी क्लिक करना। कोई भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जीमेल से जुड़ना चाहता है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं बहुत रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ। और कोई मेरी पर्सनली सर्विस लेना चाहता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो मेरी वेबसाइट पे जाए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे बात करें, मेरी टीम से बात करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।